गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की ऑनलाइन क्लास में समाजशास्त्र बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम पेपर, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली विधि को पढ़ेंगे। प्रश्नावली विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई ऐसा प्रारूप होगा जिसमें प्रश्न होंगे। ये एक बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। किसी भी अध्ययन में जब हमें अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना हो, उदाहरण के लिए मैं एक अध्ययनकर्ता की भूमिका में हूँ और किसी दूर भौगोलिक क्षेत्र में मुझे लोगों के मत, राय, उनकी किसी विषय के बारे में जानकारी यदि प्राप्त करनी है, तो मुझे उस क्षेत्र में जाना मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो मैं इस विधि का उपयोग करूंगा। मोटे तौर पर प्रश्नावली विधि है क्या? इसको बोगार्ट, सिन, पाओ, यंग और गुडे एवं हट ने परिभाषित किया है, लेकिन मैं परिभाषाओं पर न जाकर पहले इसके एक संक्षिप्त विधि के रूप में आपको बताना चाहूँगा। प्रश्नावली विधि में दो महत्वपूर्ण इकाई होती है। एक तो होता है उत्तरदाता, जो उन प्रश्नों का जवाब लिखकर हमें देने वाला है। दूसरी इकाई है अध्ययनकर्ता, जो किसी विषय पर प्रश्नों का निर्माण करके पहले प्रश्नावली तैयार करता है। सामान्य रूप में एक प्रपत्र पर, प्रपत्र जैसा हम समझ सकते हैं, फोटोकॉपी कराने के लिए जब हम जाते हैं तो A4 साइज का जो कागज होता है, सामान्यतः उस तरह का एक प्रपत्र है। उस पर हम दो तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यदि अध्ययन करने से पूर्व हमने प्रश्नों का निर्माण किया तो इसे हम संरचित प्रश्नावली कहेंगे, और कोई टॉपिक डाल दिए, विषय बिंदु डाल दिए, उनका हम अध्ययन करना चाहते हैं तो इसे हम असंरचित, यानी पहले से बनी हुई नहीं है लेकिन हमने उल्लेख किया गया बिंदुओं का, वो प्रश्नावली कहेंगे। इसमें होता यह है, प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाएगा विषय से संबंधित, उत्तरदाता जो दूर हमसे भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी सामान्य जानकारी, उनका एड्रेस, उनके नाम, गली मोहल्ले, उनकी सूची हमें पहले से प्राप्त हो जाती है। इसके भी कई तरीके हैं, आजकल इंटरनेट के माध्यम से राशन कार्ड, वोटर आईडी सब ऑनलाइन है, हम वहाँ जाकर सहायता ले सकते हैं जहाँ हमें जितने लोगों का अध्ययन करना है। जैसे उदाहरण के लिए हमें 200 लोगों का अध्ययन करना है तो हम पहले से ही 300-350 लोगों के एड्रेस निकाल के रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस उत्तरदाता को हमने प्रश्नावली भेजी, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% हमको जवाब भरकर भेजे। तो ऐसी स्थिति के अंदर संभावना ये रखनी चाहिए कि अगर किसी के जवाब नहीं भी आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अन्य जो हमारे पास पते हैं उनका उपयोग कर सकें। प्रश्न बना लिए, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए एक संपर्क सूत्र के रूप में एक पत्र लगाया जाता है। इस पत्र को, जैसे मैंने उल्लेखित किया गया है, सहगामी पत्र, अभी मैं इस पर विस्तृत व्याख्या में आऊँगा, सहगामी पत्र होता है। उसमें अभी आप इतना समझें कि उत्तरदाता अपना मंतव्य, अपना परिचय, आप अध्ययन क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य, महत्व, ये सारी जानकारी और उसको जवाब जल्दी भेजने का आग्रह, इतने समय अवधि में आपको भेजना है, और एक लिफाफा लगा हुआ जिसपे स्वयं का पता लिखा हुआ उस पर है और उसमें टिकट लगा होगा, जिससे उत्तरदाता अपने मत उसमें लिखकर, अपनी जानकारी लिखकर हम तक पहुंचा सके। ये सहगामी पत्र के साथ भेज दी जाती है। उत्तरदाता उस प्रश्नावली को पढ़ता है, उसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं, बंद प्रश्न भी होते हैं, खुले प्रश्न भी होते हैं, मिश्रित प्रश्न भी होते हैं, और उन प्रश्नों के जवाब वो स्वयं मनोयोग से भरता है, और चूंकि हमने उसके साथ एक अपना पता लिखा हुआ लिफाफा लगाया है वो उसमें डालकर पोस्ट कर देता है। तो यानी हम कह सकते हैं प्रश्नों की एक सूची जो किसी विषय वस्तु के आधार पर बनी हुई है, उस सूची के आधार पर हमने उसे भेजा है, उसमें उत्तरदाता अपने विचार मत लिखकर, पढ़कर, समझकर, डाक या कूरियर की सहायता से उत्तरदाता उसे अध्ययनकर्ता के पास भेज देता है। अध्ययनकर्ता उस संपूर्ण प्रपत्र जो आते हैं उनकी संख्या काउंट करता है, उसे लग रहा है कि जितने लोगों को अध्ययन करना चाहता था उतनी संख्या में प्रश्नावली लौट कर आ गई है तो ठीक है, अन्यथा वो अन्य जो पते उसके पास है उनके पास भी जा सकता है, लेकिन पहले वो उन्हीं को रिकॉल करेगा, उनको याद दिलाएगा कि भाई
हमने आपको एक प्रश्नावली भेजी थी, हो सकता है समय अभाव के कारण आप उसको भरकर नहीं भेज पाए, तो जैसा मैंने उल्लेखित किया है कि एक अनुगामी पत्र होता है, इसको आप ये समझें कि एक ऐसा पत्र जो याद दिलाने के लिए दिया गया है कि भाई आपको उसका जवाब हमको भेजना था। इसमें तीन तरह का उल्लेख किया गया समाजशास्त्रियों ने। प्रथम तो है कि जब आप सहगामी पत्र के साथ प्रश्नावली भेज दें तो कम से कम 15 दिन का इंतज़ार करें, और 16वें दिन जाकर आपको लगे कि शायद हम नहीं आ रहे हैं उत्तर, तो आप पहला अनुगामी पत्र भेज सकते हैं, फिर एक वीक में इंतज़ार करें, एक सप्ताह के बाद अनुगामी पत्र भेजने के बाद दूसरा भेजा जा सकता है, और फिर भी अगर जवाब नहीं आ रहे हैं तो फिर द्वितीय पत्र भेजने के 2 सप्ताह के तक आप वेट करेंगे, फिर तीसरा अनुगामी पत्र आप भेज सकते हैं, फिर भी यदि जवाब नहीं आए तो सीधा सा तरीका है, उसका सूची में से नाम हटा दीजिए, जो आपके पास अन्य एड्रेस थे उनका उपयोग करते हुए आप नए सिरे से प्रश्नावली भेज सकते हैं। अब हम इसके प्रारंभिक स्वरूप में आते हैं। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली के बारे में सबसे पहले बोगार्ट्स नाम के विद्वान कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। यानी स्पष्ट हो गया कि कोई भी अध्ययनकर्ता अलग अलग व्यक्तियों पर जो भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, घनत्व में भी रह सकते हैं, दूर दूर छिटके स्थिति में भी रह सकते हैं, उनको वो प्रश्नावली भेजता है, प्रेषित करता है, उसमें सामान्यतः प्रश्न होते हैं। अब ये प्रश्न किसके होंगे? विषय से संबंधित, जैसे अध्ययन करना है गरीबी की समस्या का, अब ये समस्या का अध्ययन करना है तो कुछ प्रश्न होंगे व्यक्तिगत जानकारी वाले, आपका नाम क्या है, आयु कितनी है, लिंग क्या है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं, जो भी है। इसके अलावा आप कैसे मकान में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशंस हैं, इन्हें आप व्यक्तिगत जानकारी कह सकते हैं, पार्ट ए। पार्ट बी में विषय से संबंधित, जैसे आपका रोजगार क्या है, क्या आप रोजगार में लगे हैं, लगे हैं तो किस तरह के में लगे हैं, वो रोजगार आपका परमानेंट है, टेम्परेरी है, अनुबंध पर है, अथवा आप डेली बेसिस पे रोजाना जाते हैं, कमा के लाते हैं, महीने में 15 दिन 20 दिन कितने दिन आपको रोजगार मिलता है, आपका क्या भविष्य निधि कटता है, बहुत सी बातें हैं, उनको सोच विचार करके प्रश्नावली में शामिल किया जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया विभिन्न व्यक्तियों के मत जानने के लिए उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची को हम प्रश्नावली कहते हैं। इसी संदर्भ में सिन पावो यंग, इनका कहना है अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसमें नए तथ्यों की खोज की जाती है। यानी सरलतम रूप में प्रश्नों का एक समुच्चय है। ठीक इसी प्रकार गुड़े एवं हट का तर्क है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का उपकरण है, टूल्स, यंत्र के रूप में इन्होंने बताया। अब यहाँ परीक्षार्थी के लिए भी विशेष महत्व की बात है, प्रश्न आ सकता है कि किस विद्वान ने प्रश्नावली को उपकरण बताया, उत्तर आएगा गुड़े एवं हटने से उपकरण की संज्ञा दी है, जिसे हम यंत्र भी कह सकते हैं। अब वो यंत्र कैसा है? वो यंत्र ऐसा है जिसमें प्रपत्र होता है, एक प्रश्न लिखा हुआ कागज होता है, और जिसे उत्तरदाता स्वयं अपने हाथों से भरता है। तो स्पष्ट हो गया कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का ऐसा उपकरण जिसमें एक पत्र दिया जाता है, जिसे हम प्रपत्र कहते हैं, और उसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। तो ये हो गया इसकी समाजशास्त्रीय परिभाषा, जो तीन विद्वानों की महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब जो हमारी प्रश्नावली है, जो हमारा प्रपत्र हो, कैसा होना चाहिए। या मैं उदाहरण देना चाहूँगा, प्रातःकाल जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, आपने देखा होगा उसमें कई बार पंपलेट्स लगे होते हैं, हमारा ध्यान किस पंपलेट पे ज़्यादा जाता है? एक होता है सफ़ेद रंग का, एक थोड़ा आकर्षक रंगीन, हमारी रुचि होती है उस रंगीन प्रपत्र को निकाल के देखें उसमें क्या है, पता लगा कि आपके शहर में कोई कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सजे हुए कागज पर दी जा रही है। मतलब मानवीय स्वभाव रंगों के प्रति आकर्षित होता है। अगर हम प्रश्नावली का कागज रंगीन लें, गुलाबी, नीला, हल्का बैंगनी, उसमें आकर्षक छपाई हो, तो ज़्यादा मन करता है उसको देखने का, उसके जवाब लिखने का। तो इस मनोविज्ञान को टटोलते हुए समाजशास्त्री कहते हैं कि प्रश्नावली का भौतिक स्वरूप बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे उसका कागज का साइज क्या है, छपाई कैसी है,
छपाई के अलावा उसमें शुद्ध लिखा है अशुद्ध लिखा है, प्रश्न बड़े हैं छोटे हैं, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, वो सारी बातें इसके भौतिक स्वरूप में आती है। सबसे पहला A4 साइज़ का कागज़ होना चाहिए, जिसको आप यूँ समझ सकते हैं कि फोटोकॉपी की मशीन में जब हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो जो पेपर साइज होता है वो नॉर्मल A4 होता है, उस पर आप कागज़ का यूज करें, थोड़ा रंगीन कागज़ ले सकते हैं। उस कागज़ पर छपाई स्पष्ट हो, एक बार देख के आदमी पढ़ सके, स्पष्ट लिखा हो, शुद्ध लिखा हो, उसकी लंबाई चौड़ाई प्रश्नावली की सही रखी जाए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप दो प्रश्न जो लिख रहे हैं उनके मध्य में इतना पर्याप्त अंतर होना चाहिए जिसमें उत्तरदाता अपना जवाब लिख सके। आपने रंगीन तो बनाई, प्रश्न भी लिख दिए, लेकिन हम देखते हैं दो प्रश्नों के मध्य अंतर कम है। अब आप सोचिए उत्तरदाता कैसे जवाब लिखेगा, तो आप उसका पर्याप्त अंतर भी होना चाहिए। तो भौतिक स्वरूप का ध्यान रखना विशेष बात है। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्नावली विधि में जो दो पत्र होते हैं वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लें। तो प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि प्रश्नावली विधि से संबंधित दो पत्रों के नाम लिखिए, उत्तर होगा सहगामी पत्र और दूसरा अनुगामी पत्र। बात उठती है सहगामी पत्र क्या है, तो सहगामी पत्र के संदर्भ में एक ऐसा पत्र जो प्रारंभ में प्रश्नावली प्रारूप के साथ प्रपत्र के साथ अटैच होता है, वो पत्र इसलिए दिया जाता है कि उसमें उत्तरदाता को संपूर्ण परिचय मिल जाए, किसका, अध्ययनकर्ता का, कि वो कौन है, वो जानकारी क्यों लेना चाहता है ये उद्देश्य से पता लग जाए, जानकारी का वो क्या उपयोग करेगा, उसका महत्व क्या है वो उसको पता लग जाए, और सबसे महत्वपूर्ण उसे आश्वस्त किया जाना चाहिए कि भाई जो तुम जानकारी हमें दे रहे हो वो बड़ी गोपनीय रहेगी, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, और उस जानकारी को हम हमारे अध्ययन कार्य में उपयोग में लेंगे। कल को आप सोचो कि हम सरकारी आंकड़ों में उसका उपयोग कर जाएंगे, गलत है, क्योंकि उससे उत्तरदाता के मन में भय होगा, क्या पता मेरा नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा है, ये सर्वे करके जानकारी लेके मेरा नाम तो नहीं हटवा देंगे, मेरी पेंशन तो बंद नहीं करवा देंगे, तो ये भ्रम उसको जवाब ना भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसे सबसे पहले आश्वस्त करना पड़ेगा कि भाई हम इन जानकारी को केवल मात्र केवल अपने अध्ययन में काम में लेंगे, सरकारी आंकड़ों में इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ये सारा आश्वस्त का जो काम है वो हम सहगामी पत्र के साथ करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट साथ जा रहा है, साथ गमन कर रहा है, सहगमन सहगामी, इसलिए इसका नाम सहगामी पत्र हो गया। इस सहगामी पत्र में गोपनीयता के अतिरिक्त एक विशेष बात, समय अवधि का उल्लेख होता है। उत्तरदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि आप निर्धारित समय में इसको भरकर हमें भेज देंगे। अब कैसे भेजेंगे, हमने पहले से क्या किया, एक लिफाफा जिस पर टिकट लगे हुए हैं, अपना अध्ययनकर्ता का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, जिससे वो भर के उसको कुछ नहीं आएगा, भर के डाल देगा, बॉक्स में डाल देगा, जिससे वो निश्चित समय पर 7 दिन में 8 दिन में 10 दिन में मैक्सिमम 15 दिन तक वो अपने पास आ जाएगा, और उसको हम लेके अपना अध्ययन में काम ले लेंगे। अब प्रश्न उठता है अनुगामी पत्र की फिर आवश्यकता क्यों है, ये तो आप भी जानते हैं, अगर हम 200 लोगों को लेटर भेजेंगे प्रश्नावली का, तो जरूरी नहीं 200 के 200 जवाब दें, रिप्लाई दें, हो सकता है 140 ने दिया, अब हमारा आंकड़ा तो शॉर्ट हो गया, डेटा लॉस हो सकता है, तो 60 लोग हमें और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं 60 लोगों को एक निश्चित समय के बाद यानी 15 दिन हो गए, अब एक पत्र लिखेंगे, उसका नाम होगा अनुगामी। इसको हम कह सकते हैं उत्तरदाता को याद दिलाने के लिए कि भाई एक महत्वपूर्ण काम आपको करना है, आपको जवाब भेजना है, उसे हम अनुगामी पत्र कहेंगे। उसमें लिखा क्या होगा, उसमें लिखा होगा कि भाई आपके पास हमने एक पत्र भेजा था, उसे पूर्व में स्मरण कराएं। हो सकता है समय अभाव के कारण बड़ी विनम्र भाषा में हम लिखे कि आप उसका जवाब नहीं भेज पाए, हो सकता है आपकी रुचि नहीं रही हो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि आपके पास समय नहीं रहा होगा, समय अभाव रहा होगा, तो आप उसको पुनः भेज दीजिए, उसे स्मरण कराइए, और उसे धन्यवाद भी हमें देना है, आभार भी प्रकट करना है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती है। फिर भी जवाब निश्चित मात्रा में नहीं आए, मान लीजिए हमने और भी इंतजार किया, इतना किया कि पत्र भेजने के बाद हमने 15 दिन इंतजार कर लिया, फिर हम सेकेंड एक अनुगामी पत्र भेजेंगे पुनः स्मरण कराने के लिए कि भाई हमने आपको पहले प्रश्नावली भेजी, उसके बाद याद दिलाने के लिए पत्र भेजा,
आप फिर भी नहीं भेज रहे हैं, जरूर कोई बात नहीं होगी, प्लीज़ आग्रह करेंगे कि आप इसका आंसर भेजें, फिर भी जवाब नहीं आते हैं तो अंतिम मौका उसे दिया जाता है द्वितीय पत्र भेजने के 2 सप्ताह बाद तक, आप उसका वेट करके फिर एक लेटर भेज दीजिए, फिर भी अगर जवाब नहीं आ रहे हैं तो सीधा सा तरीका है उस व्यक्ति का नाम उत्तरदाता का सूची में से क्रॉस करें, काट दें, अपने पास जो एड्रेस और थे उनमें से किसी अन्य का चयन करें। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अनुगामी पत्र स्मरण कराने के लिए, सहगामी पत्र साथ भेजा जाता है प्रश्नावली का जवाब जल्दी भेजने के लिए, और इस विधि को हम प्रश्नावली विधि कहते हैं। प्रश्नावली विधि तुलनात्मक रूप से इसमें काफ़ी गुण है, लाभ की स्थिति भी है। कैसे? एक तो कम खर्चा लगता है, आप किसी के पास इंटरव्यू लेने जाइए, एक व्यक्ति से दिन भर में आप मिलने गए, आपको यात्रा भी करनी पड़ी, आपका खर्चा हुआ, जरूर नहीं आप जाए वो आपको मिले ही मिले, वो तो कह देंगे घर वाले कि वो तो काम पे हैं, शाम को 5 बजे आएंगे, आपका दिन भर खराब। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं है, वहाँ तो पत्र पहुँच गया, उसको जब भी समय मिलेगा भेज देगा, आपका कम पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? प्रिंटिंग चार्ज, लिफाफे का आपको भेजने का चार्ज, दूसरा उस पर टिकट लगाए जिससे वो आपको भेजे, मुश्किल से मैं मानता हूँ 1 क्वेश्चनेयर पे 50 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने में 500 से ज़्यादा खर्च हो सकता है, खर्चे की विधि नहीं है। सेकंड चीज़, जब आदमी आमने सामने होता है प्रत्यक्ष तो संकोच रहता है कि मैं क्या जवाब दूँ। जैसे मैं किसी से व्यक्तिगत प्रश्न पूछूँ कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते, वो कहना चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा, वो कहेगा ऐसे ही नहीं करना चाहता। लेकिन प्रश्नावली में चूंकि गोपनीयता है, अप्रत्यक्ष संबंध है, वो खुलकर अपने मन की बात देख सकता है कि नौकरी क्यों नहीं करना चाहता। हो सकता है लैंगिक परिस्थिति के आधार पर किसी महिला को अलग समस्या हो, पुरुष को कुछ अलग समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में देश काल परिस्थिति, उसकी शारीरिक संरचना, ये सारी बातें निर्भर करती है कि वो बेरोजगार क्यों है, नौकरी क्यों नहीं कर सकता है। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि मैं तो अपने स्टेट में करूँगा, अदर स्टेट में जाना ही नहीं है, तो जो भी कारण हो इसमें गोपनीयता बनी रहती है। पूर्वाग्रह नहीं होते, या पूर्वाग्रह का मतलब पहले से मन में जो विचार है उनका प्रयोग नहीं होता, प्रश्न सामने होगा, उत्तरदाता उसका भली भांति जवाब दे देता है। इसके अतिरिक्त ये बड़ी सुविधाजनक तरीका है, इसमें कोई मानसिक दबाव नहीं है, इसलिए इस विधि को श्रेष्ठ विधि माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस विधि के अंदर जो हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, क्या प्रश्नावली एक ही प्रकार की होती है या इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं? बिल्कुल सत्य है, प्रश्नावली को मोटे तौर पर 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, तथ्य संबंधी प्रश्नावली। आपको डेटा कलेक्ट करना है, अब प्रश्न उठा डेटा क्या है? डेटा शब्द डेटम से बना है, ए थिंग गिवन, एक वस्तु जो प्रदत्त की गई है, यानी हम अध्ययन करता है, उत्तरदाता हमें कोई जानकारी दे रहा है, वो हमें दे रहा है, इट मीन्स वो डेटम शब्द से बना डेटा, तथ्य सामग्री को हम डेटा कहते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए जैसे हमें अध्ययन करना है कि राजस्थान में कौन सा समाचार पत्र लोकप्रिय है, अब इसका आंकड़ा हमें लेना है कि कौन कौन से क्षेत्र में इसकी ज़्यादा लोकप्रियता है, इसका मत जानना है, तो तथ्य भी निकल गए, मत संबंधी प्रश्नावली बन गई, रुचि कैसी है, पसंद कैसी है, वो भी हम देख सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा TRP, टेलीविजन के अंदर रेटिंग का एक प्रोसीजर होता है, उसके अंतर्गत कौन सा सीरियल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, आजकल एक पोल चलता है कि आप कौन से सीरियल को पसंद करते हैं, प्राइम टाइम में कौन सा देखते हैं, तो इसमें मत जाना जा रहा है, राय जानी जा रही है, ये भी प्रश्नावली मत संबंधी हो सकती है। इसके अलावा अध्ययन कार्य को करने से पहले ही आपने प्रश्न बना लिए, संरचित प्रश्नावली। नेक्स्ट, आपने विषय बनाए, बिंदु बनाए, आपको खुद को नहीं पता प्रश्न क्या हो सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया धर्म के आधार पर पूछना है, जाति के आधार पर पूछना है, उनकी लैंगिक स्थिति के बारे में पूछना है, वहाँ को 30 त्यौहार मेला है उसके बारे में पूछना है, तो इस तरह वहाँ प्रश्न पूछने का तरीका आपका अलग हो सकता है, उसे असंरचित प्रश्नावली कहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रश्न में खुले प्रश्न है, खुले प्रश्न का मतलब प्रश्न आया आप प्रतिदिन कितना समय पूजा पद्धति में लगाते हैं, और नीचे लाइन खाली छोड़ दी, व्यक्ति अपनी पूरी बात मन से लिख सकता है, खुला ओपन एंडेड जो उसके विचार हैं। अगर मान लो पूजा नहीं करता, लिख देगा मैं पूजा पाठ करता ही नहीं, वो लिख देगा कि मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर लंच करने के बाद फिर मैं पूजा करता हूँ, शाम को फिर करता हूँ, विस्तृत व्याख्या लिख सकता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसे भी हैं जिनमें क्लोज है, कोई विकल्प ही नहीं है,
इसको बंद कर दिया गया, बंद प्रश्न। जैसे आप कितने घंटे नियमित अध्ययन करते हैं, ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 2 से 3 घंटे, ऑप्शन सी 3 से 4, ऑप्शन डी 4 से अधिक। अब आपके सामने क्या है, 4 विकल्प हैं। आप उन 4 में से किसी एक का भी जवाब लिख सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके ऑप्शन क्लोज हो गए, तो ये बंद प्रश्न हो गए। इसके अलावा चित्रमय प्रश्नावली, उत्तरदाता को समझाने के लिए चित्र बना दिए जाते हैं, जो भी उसका रुचि पसंद है उस पर टिक मारेगा, निशान लगा देगा, वो चित्रमय प्रश्नावली होगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रश्नों को मिक्सअप कर दिया जाए तो इसे हम मिश्रित प्रश्नावली कह सकते हैं। ये प्रश्नावली के प्रकार हैं। प्रश्नावली विधि में कुछ दोष भी हैं, इसकी आलोचना भी होती है, इसमें कुछ विद्वानों ने तर्क दिए हैं। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि आपने किसी के पास प्रश्नावली भेजी ये सोचकर कि वो व्यक्ति उसका जवाब लिखेगा। अब मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, तो अशिक्षित के लिए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो सबसे बड़ा दोष तो ये आता है कि ये अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी विधि है, क्योंकि आप कितना ही भेज दीजिए, कितने ही पत्र भेज दीजिए, वो ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरा इसका दोष आता है, ये कौन गारंटी लेगा कि जिस व्यक्ति के नाम आपने प्रश्नावली भेजी है जवाब वही भेज रहा है। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा और व्यक्ति अपने पुत्र से बोले यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसके जवाब भर दे, तो भी दोष आ गया ना, संबंधित व्यक्ति तो जानकारी नहीं दे पा रहा है। तीसरा, वो आपको समय पे भी भेज रहा है, आपको जवाब देना भी चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी राइटिंग खराब है, वो लिखना चाहता है कुछ हम समझ रहे हैं कुछ, यानी अस्पष्टता का दोष आता है। भाई आमने सामने तो जो बोला जा रहा है हम समझ लेंगे, लेकिन वहाँ तो वो अपने विचार बेचारा लिख रहा है, लेकिन उसकी राइटिंग खराब है, सो उसकी गलती क्या है, हम नहीं समझ पा रहे, अस्पष्टता का दोष आ गया। नेक्स्ट है, कई बार आदमी को लगता है कि मेरी गोपनीयता भंग ना हो जाए तो बड़ा चढ़ा के भी लिख सकता है। तथ्य विश्वसनीय है, प्रमाणिक है, इसका कोई तरीका नहीं है जांच करने का, क्योंकि हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमारे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो इसमें कई बार इस तरह की समस्या आती है कि वो अविश्वसनीय जानकारी हमको भेज सकता है। कई बार क्या होता है, वो समझ नहीं पाता प्रश्न क्या है, और यदि हम आमने सामने हों तो व्यक्ति को थोड़ा हिंट कर सकते हैं, भैया आप इसके बारे में बताओ या गलत बता रहे हो, वहाँ तो आप भावनात्मक प्रेरित कर ही नहीं सकते, तो भावनात्मक प्रेरणा का अभाव होता है, वहाँ व्यक्ति वही लिखेगा जो उसे समझ में आ रहा है, तो कुछ इसमें दोष भी होते हैं। लेकिन नट एंड शैल अगर इसको देखा जाए तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, तो प्रश्नावली बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें दूर भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्रीय क्षेत्रीय जनसंख्या यदि है तो उनसे भी डाक कोरियर की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और इसके अनेक दोष होने के बाद भी आज के समय में भी प्रश्नावली विधि बहुत लोकप्रिय है, और ये विधि तटस्थ पूर्वाग्रह से मुक्त अध्ययन करने में एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने की प्रवृत्ति की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। मेरा आज का व्याख्यान मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, अगली क्लास में मैं अनुसूची के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।